कौन है ये डकैत? और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका चौकीदार घर का आप ही के घर को लूट के चला जाएगा। ये आपको नहीं लग रहा, आप उसको आइडिया दे। कभी मोबाइल चला आपका? दो दफा हुआ नहीं, बात है डकैती का वाकया किसी होने वाला, हार्ट बीट आपकी चेंज हो जाती है, पता थोड़ी चलता विद इन अ सेकंड वो अगर घबराहट में आपको मार के चला गया आपका चैप्टर तो दहशत। 2 साल पहले 3 रुपए पेट्रोल पे पड़ते थे ना, आप फौरन से वीडियो डालते थे, ये 25,000 पे रखे हैं, बंदा घर कैसे चलाएगा, अब क्यों खामोश बैठे? अबे 80% कराची इस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ चुका है। 80% मैं छोटा सा आम कारकुन हूँ लेकिन मैंने काम किया है भाई। हुकूमत को सोचना है यार, कहाँ लाके छोड़ दिया तुमने, मिडिल क्लास को ही मार दिया। आज भी सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज जफर अब्बास, JDC। जफर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से। आप 2 साल पहले आपसे 3 रुपए पेट्रोल पे पड़ते थे ना, आप फौरन से वीडियो डालते थे, ये 25,000 पे रखे हैं, बंदा घर कैसे चलाएगा, अब क्यों खामोश बैठे हैं? मैं वीडियोस डाले जा रहा हूँ लेकिन मैटर क्या हो रहा है, सियासी पार्टीज उसको इस तरह से चला रही है कैंपेन। अगर कोई सियासी पार्टी ये सोच रही है, लेकिन मैं हर जुल्म पे बोलता हूँ, अभी भी देख ले, जब जब रेट बढ़ रहा है पेट्रोल आटा दाल, मेरी वीडियोस आ रही है, मैं तो बना रहा हूँ। लेकिन भाई किसी के दिमाग में अगर ये बात है कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और उसमें सियासतदान का नाम लूंगा, उसकी बेटी पे कीचड़ उछालूंगा, उसकी माँ पे कीचड़ उछालूंगा, उसकी बहनों पे कीचड़ उछालूंगा, मैंने ना पहले कभी ये किया ना आइंदा कभी ये करूंगा। जिसकी जिम्मेदारी है जो जुल्म कर रहा है मैं आवाज उठाता हूँ। तो अभी महंगाई है तो अब क्यों आपको वीडियो है? मेरे पेज पे वीडियोस आप अपनी वीडियोस में बोलते हैं मैंने 500 ऊंट काट दिए, मैंने 600 ऊंट काट दिए, ये भाई गरीबों को दूंगा। अब मिडिल क्लास आदमी गोश्त नहीं खा सकता, उसके लिए ऊंट क्यों नहीं काट रहे हैं भैया? तो ऊंट तो कट रहा है बकरीद पे और मैं कहता नहीं, मैं दिखा रहा होता हूँ कि ये सैकड़ों ऊंट कट रहे हैं, वही एक ही बात है, मकसद है उसका। ऊंट इसलिए कट रहा होता है यार, एक बड़ी गाय लेने जाओ मांग रहे हैं 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए, तो जितने की वो गाय आ रही है उतने में 20 ऊंट आ जाते हैं। कितना ज्यादा गोश्त हो गया, गाय में गोश्त निकला 5 मन, उतने ही पैसों में यहाँ गोश्त कितना निकलाया 100 मन। अब मैं अगर किसी गरीब के घर 5 किलो गोश्त दूंगा तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा, मेरे बच्चे गोश्त की बिरयानी खाएंगे, गोश्त का कोरमा खाएंगे, गोश्त की हलीम खाएंगे। जहां तक लगी बात आपकी कि इस वक्त लोगों इस वक्त भी हम बड़ी तादाद में बकरे काट रहे हैं, जहां तक मिडिल क्लास फैमिलीज की बात है, तो हमने कभी नहीं दिखाया किसी गरीब की बात नहीं कर रहा मैं, जो आप बकरे काट रहे हैं वो जो कट रहे हैं वो कट रहे हैं, सिस्टम उसके तहत जा रहे हैं। जहां तक लगे मिडिल क्लास की बात, मिडिल क्लास के घर में गोश्त लेके जाऊंगा वो मुझसे गोश्त कैसे लेगा यार, कैसे लेगा बताओ? नहीं है ना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं यार, ना मेरे पास वो अल्फाज है। आप एक अच्छे से पैक किया और आपको जिसको आपकी जो टीम काम कर रही है आपने उसको घर के 80% कराची इस वक्त एक वक्त का खाना छोड़ चुका है, 80% पाकिस्तान एक वक्त का खाना छोड़ चुका है जो लोगों को देते थे। मैं इतना बड़ा सोशल वर्कर नहीं समझता, मैं छोटा सा आम कारकुन हूँ लेकिन मैंने काम किया है भाई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिन बेचारों के आज हालात सेट नहीं है, एक एक वक्त का खाना छोड़ेंगे, दरवाजा नॉक करके बोलूं अंकल ये एक वक्त गोश्त पका लिएगा, मुझे पकड़ के शायद 2 थप्पड़ मारेंगे, बेटा जाओ हमें मत सिखाओ, हमने अपनी सफेद पोशी का भरम रखा हुआ है। ये तो हुकूमत को सोचना है यार, कहां लाके छोड़ दिया तुमने, मिडिल क्लास को ही मार दिया, खत्म, मिडिल क्लास का चैप्टर ही खत्म कर दिया। वो फैमिलीज जिनके घर में हफ्ते में 3 दिन गोश्त पकता था, आज उनके घर में महीने में एक बार गोश्त नहीं पक रहा है यार। तुमने दालें 250-300 रुपए किलो कर दी है यार, आप सोचो तो यार 240-300 रुपए किलो टमाटर मिलेगा। अभी तो 3 महीने पहले की वीडियोस है यार, लोग फेंक रहे थे टमाटर, वो आटा मिल रहा है सस्ते पैसों में जो जानवर भी ना खाए। जफर भाई अभी ये दौर चल रहा है, लोगों के पास गैस तो आती नहीं है, बिजली आती नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से यार सारी चीजें आएंगी? आप लोगों से क्या बोलते हैं कि लोग क्या करना चाहिए? सलाह सीधी सीधी बात करूंगा, जो भी लोग पाकिस्तानी बैरून ममालिक मुकीम है, अब कल तुम वहां से $1 भेजते थे यहाँ शायद 150 रुपए मिलते थे, आज उसके शायद 300 रुपए मिलेंगे। तुम 1 पाउंड भेजते थे, आज उसके शायद 317-318 रुपए नहीं मिल रहे। तो भाई अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में अपने रिश्तेदारों को अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करो। और अगर बैरून मुल्क से तुम लोग पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हो, चाचा का लड़का, ताया का लड़का या फिर जफर भाई को डोनेशन भेजना चाहते हो, पाकिस्तान से बाहर यूके यूएस कनाडा यूरोप में रहते हो तो पाकिस्तान पैसे भेज सकते हो। अबे किसी भी बैंक में भेजो भाई, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, भेजने के पैसे नहीं लग रहे। और सोचो तुम्हें बाहर से कोई बंदा पैसे भेज रहा सीधा जैस कैश और इजी पैसा में, सोच सकते हो? और एक्सचेंज रेट तो इनका बेहतरीन किस्म का है यार, कोई पैसे वैसे नहीं लेते भाई, ये बिल्कुल फ्री। और अगर तुम बोनस चाहते हो तो इस पे भाई का प्रोमो कोड यूज करो प्रोटा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ टच करो और चले जाओ, तुम्हें $10 का फायदा हो जाएगा। बाहर से भेजो अपना भी फायदा करो, $10 10 यूरो मिलेगा, प्रोमो कोड यूज करो भाई जल्दी। अभी स्नैचिंग इतनी बढ़ गई है, डकैतियां हो रही है, उस पे कुछ आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन है, मैं तो 3 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, कौन है ये डकैत? और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका चौकीदार घर का आप ही के घर को लूट के चला जाएगा। ये आपको नहीं लग रहा, आप उसको आइडिया दे रहे हैं? अबे ये हो रहा है, ये हो रहा है, होने वाला है, हर आदमी परेशान है। आप अच्छा चलो मुझे तुम बताओ, तुम्हारे चौकीदार की तनख्वाह क्या देते हो तुम? 18,000 रुपए 17,000। जब 18,000 रुपए तनख्वाह तुमने 4 साल पहले दी थी, उस वक्त आटा कितने का था? आटा बहुत सस्ता था, 300 रुपए का 10 किलो था। आज कितने का आटा? 1200 रुपए का। उस वक्त तेल कितने का था? 150 रुपए की थैली, आज 500 रुपए की थैली है। उस वक्त पेट्रोल 90 का था, आज कितने का है? वो 18,000 रुपए यही खत्म हो जाते हैं, वो अपने घर क्या भेजेगा गाँव? तो इसका मतलब डकैतियां शुरू कर दे मेरे घर में कुछ। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मुसीबत आने वाली है, इतला दी जाती है सुनामी आने वाला है। या सबको बोलते नहीं नहीं आराम से लेटे रहिए, यहाँ पर अभी सुनामी आएगा आपकी नस्लें उजाड़ देगा। तो ये भी तो एक सुनामी है, इस सुनामी के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, खुदा के लिए जागो,
इतनी महंगाई नहीं कर दो कि लोग मजबूर हो जाएं गलत काम के लिए। तो गवर्नमेंट पे इस चीज का कोई असर? मेरा मोबाइल छिन रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आपका मोबाइल छिन रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आवाज कैसे उठाओगे भाई? एक लड़के का मोबाइल छिन गया, आपने वो वीडियो देखी होगी जो गुलशन चुरंगी पे वो क्लाशन ला के पूरे लड़कों को, तीन लड़कों को लूट के ले गए। वो लड़की क्या बोल? आपका मोबाइल छिना, छिन गया, आपने पर्चा क्यों नहीं कटवाया? पर्चा कटवाया, कुछ नहीं, नहीं कटवाते लोग। आप जिसके पास ले चलो, मुझे पर्चा नहीं कटवाते। हमने एंट्री करवा दी। क्यों करवा दी एंट्री भाई? 6 लाख का मोबाइल तो तुम्हारा 14 प्रो, तुमने खाली एंट्री करवा दी? किस बात की एंट्री? पर्चा कटवाओ, तुम्हारा 13 प्रो चला गया, तुम्हारा 30,000 रुपए का मोबाइल चला गया। कैसे लेते हैं लोग 30,000 रुपए का मोबाइल पता है आपको? एक साल पैसा जमा करते हैं, एक साल पैसा जमा, हर महीने अपनी बचत में से 3,000 रुपए निकालते हैं। अरे ऐसे कैसे चला गया मोबाइल यार? मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, हर बारिश में 80-90 लोग मरते थे, मेरा तो कोई सगा नहीं मरा, खड़ा हुआ उन फैमिलीज के साथ, कटवाए पर्चे, लगी ना 6.5 लाख बोले पड़ती। तो स्टैंड लो ना यार, हम 600 डंपर ट्रक शावल ट्रॉलियां लेके निकल रहे हैं सफाई मुहिम एहतजाज। खुदा के लिए शहर में सफाई कर दो, सफाई कर दो, सफाई कर दो, कचरा कुंडी बन गया यार। इदारे हैं वो कहा है जो जिस तरह पुलिस है? मैं तो नहीं करेंगे आप ये सवाल, जिस तरह पुलिस है वो ये सवाल मैं आपसे करूंगा। तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरा खुद मोबाइल छीन गया। बात ही खत्म हो गई। कभी मोबाइल छीना आपका? अभी बीच में डकैत आया हो चैंबर की? अरे जफर भाई दो मोबाइल दे दो। नहीं 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 लिया उन्होंने। नहीं यार, एक दो दफा हुआ लेकिन नहीं लिया। क्या हुआ, किस्सा क्या हुआ? बाइक पे जा रहा था, पीछे बैठ के पीछे से लड़के आए, उन्होंने हमें जैसे ही दबाया चैम्बर खींचा। नहीं नहीं कुछ नहीं, चैम्बर किसका खींचता है, क्या हो गया? गन का जरूरत पड़ती है? आप बाइक पे जा रहे हो, खाली कुछ जोर से मेरे साथ हुआ है, यहाँ रख दी थी गाड़ी के अंदर पूरी, चैम्बर खींच के बोला दे। बाइक पे जा रहे थे तो एक बंदे ने खाली बाइक दबाई थी, देखा तो फिर खुद ही बेचारे एक्सक्यूज करके चले गए। क्या बोला कि माजर जफर भाई? देखे तो ने बोल दिया कि माजर जफर भाई गलती हो गई, बस इतनी क्रिएट हुआ कि यूं यूं किया, बस वो उन्होंने खुद ही। और फिर आपने बोला बच गया? ये आपने बोला मैं लूटूंगा ही नहीं? बातें डकैती का वाकया किसी होने वाला, हार्ट बीट आपकी चेंज हो जाती है, पता थोड़ी चलता विद इन अ सेकंड वो अगर घबराहट में आपको मार के चला गया आपका चैप्टर तो। दहशत इन लोग ने फैला दी है रांची में। जिस तरह मैं जहां रहता हूं ना, वहां दर्जनों दुकान है, बहुत सारी दुकान है। उसमें जो पहला केस हुआ ना, एक दुकान पे 4 बंदे आए, एक ने वेपन शो किया, दुकान के अंदर घुसा, लूटने लगा, दुकानदार ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, 3 बंदे जो खड़े हैं उन्होंने वेपन नहीं निकाला। जब उसने पकड़ा ना, तीनों ने वेपन निकाला, लोड करी और फायर कर दिया। ये पूरे इलाके में दहशत हो गई। जब उसने फायर किया ना, तो मैं गाड़ी से यू टर्न लेता हुआ आ रहा था, तो वो बहुत पुराने दौरों में नहीं होता था, मैं तो समझा भाई मैं सऊदीया में आ गया, कोई है ही नहीं। मैं बोला नमाज पढ़ने तो नहीं चले गए लोग, दुकानें खुली हुई है और कोई है ही नहीं। मैं बोला वाह यार इनको बड़ी अकल आ गई है, बेचारे दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और वहां से उन्होंने ये नहीं कि सेकंड होगा गेम, कड़े में पिस्टल लेके यूं, मैं समझा किसी का प्रोटोकॉल है। मैंने जब देखा ये डकैती हो रही है, मैं तो उतरा और फिर मैं भागा, गाड़ी मेरी भी खुली और वो मार के रिलैक्स हवाई फायर मारे, यूं फायर मारे, एक्शन में संजू बाबा बने हुए साले। वो मसला ये कि वो दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए, उन्होंने अपनी इन्हीं दुकानों के काउंटरों पे खड़े होकर सामने से लोगों के जनाजे गुजरते हुए देखे और जिन्होंने जरा सा रेजिस्ट किया और मारे गए। अच्छा अब मैटर क्या है, जो मारा जा रहा है बेचारा, क्या वो किसी का बाप है? किसी का बेटा है? 100% वो किसी का भाई हो सकता है, किसी का कोई उसकी बहन हो सकती है, कितने सारे रिश्ते हो गए, शादीशुदा है तो कोई उसकी हो सकता है, साली भी होंगी, हो सकता है उसके रिश्तेदार होंगे, सास ससुर होंगे। एक आदमी नहीं मर रहा, समझो एक खानदान का जनाजा जा रहा है। तो डकैत कौन है? डकैत की डकैती, देखो कराची डकैतों का शहर नहीं था कराची में। हाँ तो ये तो हुकूमत को सोचना है, रियासत को, कि जो लोग डकैती करने आ रहे हैं इनके हुलिये देखें, इनकी हालतें देखें, क्या कराची की। तो मेरा इस्लामाबाद, मेरा तो इस्लामाबाद में वो मैंने देखा कि इस्लामाबाद में भाई मैं फैसल मस्जिद ढूंढ रहा हूँ, उसने बताया मैं लाहौर में मीनार पाकिस्तान ढूंढ रहा हूँ, वो एक लड़का बोल रहा है मैं कराची में अपना मोबाइल ढूंढ। तो कराची का तो पूरा नजरिया इस तरह का हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि नशेड़ी जो होते हैं, मुझे या मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में 3 दफा मोबाइल छीना, वो तीनों नशेड़ी थे। एक तो चैम्बर दिया और बिल्कुल नशे वाले आदमी के पास असला कहां से आएगा यार, कैसी बात कर रहा हूँ। नहीं नशे का यार आ जाता जफर भाई, कराची वो पहले अपनी खुराक के लिए असला बेचेगा भाई, क्या कह रहे हो? नशे के आदि अपराध पे थोड़ा वर्क करो, थोड़ा सा थोड़ी सी अकल होगी, उसके पास असला नहीं बेचेगा, लोगों का मोबाइल लेगा। ना ना ना, वो अपना असला बेचेगा, देखो ये पूरा सिस्टम है। तो आप बोल रहे हो जरूरतमंद है तो मोबाइल छीन, नहीं डकैते हो सकते हैं, आदि प्रॉपर हो सकते हैं, अब वो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। मैं भी कोई भी बात करके एक नया टॉपिक खड़ा नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। देखें कौन लोग चोरियां करें, डकैतियां, सेफ सिटी प्रोग्राम लाएं, कैमरे लगाएं, पकड़े। आप तो सेफ है ना, आपका नहीं छिन रहा। क्यों नहीं छिन रहा? आपने बोला नहीं छिना अभी पीछे। अरे एक दफा नहीं छिना यार, भाई का छिन रहा है, बहन का छिन रहा है, मेरे बड़े भाई का छीना, उसको मारा भी रोड के ऊपर, क्या बात कर रहे हो? सब चीजें हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं भाई। आप मैं एक चैलेंज कर देते हैं, आए कोई किसी को आईफोन 13-14 छोड़ो, कोई भी मोबाइल पकड़ा के रोड पे बोला 10 मिनट यूं खड़े हो जाओ, चैलेंज है। आप करोगे? आपका नहीं छिनेगा। अरे सबका छिनता है, डकैत आएगा बोलेगा जफर भाई चला जाएगा, मैं करूंगा मेरा छिन जाएगा, तू इधर दे मेरा भी ले जाएगा। तुम्हारे साथ तो साइंस ही दूसरी चली है, तुम्हारे साथ तो चीनी नशे वाले रहे, तुम्हारा तो कैसे तो है नशेड़ी भाई। मुझे ऐसा लगता है कि नशे की नहीं करते हैं साले, सब नशेड़ी होते हैं। एक दिमाग में बैठा लिया, लेकिन मैं आपको फिर मशवरा दूंगा, अगर कोई असला लेके आ रहा है तो मुकाबले सब दे दें भाई। मैं तो जान से बढ़ के कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं अगर मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का है, मैं उसको बचाने के लिए 17 लाख की गोली खा लूं पैर में, और वो भी मैं बचूं या ना बचूं,
ये 17-17 तो उस वक्त तय होगा ना जब आप बचोगे भाई। हाँ ना, मैं बचूं भी ना बचूं मुझे नहीं पता, तो मैं लाख रुपए क्यों बचाऊंगा अपने में, ले जाओ उसके बाद आपके दफनाने पे भाई। तो इनके साथ क्या जला देना चाहिए अगर पकड़ लें? जिसकी जिम्मेदारी है वो ये सारे जवाब वो देंगे, हुकूमत जिम्मेदारी देगी, रियासती इदारे जिम्मेदारी देंगे, जिनका काम है तहफ्फुज़ फराहम करना। आप चेंज लाते हैं ना यार, आप हर चीज का बताते हैं कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करो वो करो। उठा रहा हूँ और कितनी आवाज उठाऊँ उसके ऊपर। आपने से बोलना है मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, वोट दे दो आप जीत जाओगे। वक्त बताएगा, अभी तो जो काम पहले आप बोलते थे मैं कभी भी नहीं हूँ ऐसा।